नमस्कार छात्रों, पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ त्रिमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 9वीं विषय गणित 12 पेपर का संपूर्ण हल। इस वीडियो में आपको दो अंक वाले प्रश्नों का आपको हल बताने वाला हूँ और साथ ही मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिला उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी अंक वाले प्रश्नों का हल यहाँ पर वाले वीडियो आप देख सकते हैं। छात्रों, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये 12 पेपर है तो आपको इसे विशेष रूप से तैयार कर लेना। हो सकता है आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको गारंटी भी नहीं दे सकता हूँ 100% कि आपको ये देखने को मिलेगा। यदि देखने को नहीं मिलता तो इसमें हमारी जवाबदारी नहीं होगी। तो आपको जो है इसे जरूर से विशेष रूप से आपको तैयार कर लेना है। प्रत्येक क्वेश्चन को जो है हम यहाँ पर समझते चलेंगे तो आपको जो है ईजिली समझ में आ जाएगा। इस पेन और पेपर के माध्यम से आपको समझाऊंगा ताकि आपको जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आए। चलिए हम शुरू करते हैं छात्रों। तो यहाँ पर देखिए, पहले प्रश्न आपको दिया है संख्या लिखिए। यहाँ पर आपको संख्या लिखना है बॉक्स में। तो देखिए 345 × 5, तो आप इसे हल कर लीजिए सिंपली। तो देखिए छात्रों, 5 × 25 होता है, 25 × 5 हासिल का बचा कितना 2, 5 × 20, 20 और 2 कितना हो गया 22 हो गया, 22 का हो गया 2 हासिल का 2, 5 × 3 = 15, 15 और 2 कितना हो गया 17। तो छात्रों बॉक्स में आप भरेंगे 1725। फटाफट आपको जो है नोट कर लेना, समझ तो चलना आपको। प्रश्न दो हमें दिया है, यहाँ पर हमें उत्तर लिखना है। तो इसका हल हम देख लेते हैं, 805/10 में यहाँ पर आपको भागफल लिखना है। तो देखिए छात्रों, बॉक्स के अंदर यहाँ पर 805 में आप 10 का भाग देंगे। तो सिंपल से देखिए छात्रों, किस प्रकार क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर, तो डरना बंद कीजिए और डाउनलोड के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहाँ इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से ही चीज चाहते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउटनट ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। प्रकार से हमें भाग देना, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर देखिए समझिएगा, दिया है हमें 805/10। तो देखिए सबसे पहले हम शुरू की दो संख्या लेते हैं। तो देखिए 10 80 में 10 का भाग जाता है कितने बार, 8 बार। यहाँ पर हो गया 80, तो यहाँ पर देखिए 0 यहाँ पर आ गया 5। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर जो है 5 में 10 का भाग नहीं आता है। तो देखिए छात्रों हम करेंगे क्या, यहाँ पर एक और शून्य ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर है ना, तो देखिए यहाँ पर हम लगा देंगे एक शून्य और, फिर लगा जाएगा दशमलव। तो देखिए 10 × 5 यहाँ पर होता है 50। तो देखिए यहाँ पर जो सिर्फल जो है शून्य यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो छात्रों यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, 80.50 जो है इसका यहाँ पर आंसर जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न 3 हमें यहाँ पर दिया है, दी गई आकृति को छानकित भाग को भिन्न के रूप में हमें लिखना है। तो छात्रों यहाँ पर आपको आकृति दिख रही होगी, इसमें देखिए कितने खाने छात्रों, 1 2 3 4 5 6 खाने हैं इसमें, 6 में से एक खाना जो है भरा हुआ है, इसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं छायांकित भाग बराबर से टोटल खाने हैं 6/6 और कितना भरा है 1, तो यहाँ पर लिख दिया हमने ऊपर 1। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको ब्रिज कोर्स के जो क्वेश्चन आपको पूरे फंसे हैं, तो आपको जो छात्रों पूरे 12 पेपर है समझ लेना, आपको गारंटी है। तो प्रश्न 6 4 में यहाँ पर दिया है, रेणु अपने 6 दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने गई, दुकानदार ने उन्हें कुल 72 गोलगप्पे खिलाए, अगर सबने बराबर बराबर गोलगप्पे खाए तो बताए उसके प्रत्येक साथी ने कितने गोलगप्पे खाए। छात्रों जो पेपर बहुत वायरल हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए सोल्यूशन बनाना आवश्यक है। हो सकता है आपको सोल्यूशन की जरूरत पड़ रही हो, इसलिए मैंने आपके लिए सोल्यूशन बनाकर लाया हूँ। बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, तो आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उस लाइक बटन को आप जरूर दबा देना और साथ ही में इस वीडियो को अपने प्रत्येक फ्रेंड के साथ यहाँ पर अवश्य रूप से शेयर कर देना। तो यहाँ पर हम इसका हल देख लेते छात्रों। तो देखिए रेणु के दोस्तों की संख्या कितनी छात्रों, रेणु के दोस्तों की संख्या है 6। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, और उन्होंने कुल गोलगप्पे कितने खाए, कुल गोलगप्पे की संख्या कितनी छात्रों, यहाँ पर है 72। तो यहाँ पर देखिए हमें सवाल में क्या कह रहा है छात्रों, रेणु के प्रत्येक साथी कहा है, सवाल में रेणु के प्रत्येक साथी कहा है, मतलब कि हम इसमें से प्रत्येक साथी की संख्या, रेणु में हमें सवाल में जो प्रत्येक साथी की संख्या ज्ञात करना है, इसलिए हम करेंगे क्या, रेणु को संख्या जो है उसमें हम नहीं जोड़ेंगे, मतलब कि हम सिर्फ 6 बस यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं प्रत्येक साथी के गोलगप्पे खाने की संख्या, तो हम कैसे निकालेंगे, जो गोलगप्पे की कुल संख्या है उसमें हम रेणु के दोस्तों की संख्या का हम यहाँ पर भाग दे देंगे। तो देखिए गोलगप्पे की कुल संख्या है 72 / रेणु के दोस्तों की संख्या है 6। तो देखिए 6 में आप
72 का भाग देंगे तो ये देखिए 12 बार जो है यहाँ पर जाएगा, 6 कम 6 बचा 1, 6 दूनी 12, ये उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। अतः रेणु के प्रत्येक साथी ने 12 12 गोलगप्पे खाएंगे। प्रश्न 5 छात्रों हम यहाँ पर देखते हैं, खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखकर यहाँ पर आपको दिए गए भिन्न का समतुल्य आपको लिखना। तो देखिए छात्रों यहाँ पर आपको दिया है 8/80। तो देखिए छात्रों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भाग लगा है किसका, भाग लगा है यहाँ पर 4 का। तो देखिए 4 दूनी यहाँ पर होगा 8/ में, बॉक्स के अंदर देखिए 4 दूनी 8 और 0 का 0, मतलब कि यहाँ पर जो बॉक्स में आप लिखेंगे 20। प्रश्न 6 में दिया छात्रों यहाँ पर क्या दिया है समझ लेते हैं हम। संख्या 5186 में एक संख्या जोड़ने पर 9351 प्राप्त होता है, वह कौन सी संख्या है। तो देखिए हम इसे हल करते हैं छात्रों। तो देखिए स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर दी गई संख्या आपको कितनी है 5186 है, और जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितनी है आपको 9351 है। तो हमें यहाँ पर वे संख्या ज्ञात करना है जिसे जोड़ने पर 9351 हमें प्राप्त होता है। तो हम करेंगे क्या छात्रों, हम जोड़ने पर प्राप्त जो संख्या है उसमें हम दी गई संख्या का यहाँ पर घटा देंगे। तो देखिए जोड़ने पर प्राप्त संख्या यहाँ पर छात्रों 9351 ऋण दी गई संख्या में 5186, तो आप इसमें से इसको घटा दीजिए। तो देखिए छात्रों एक में 6 नहीं घटता, तो देखिए हम इससे एक उधार ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो गया 11, 11 में 6 बचेगा यहाँ पर 5, यहाँ पर बचेगा 4। तो देखिए 4 में से 8 नहीं घटता, तो देखिए एक इसमें से उधार ले लेंगे, यहाँ पर जाएगा 14, 14 में से 8 घटाएंगे यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर देखिए बचेगा कितना 2, 2 में से 1 गए बचेगा 1, और 9 में से गया 5 घटाएंगे यहाँ पर आएगा 4। तो छात्रों 5146 जो है इसका उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। अतः दी गई संख्या में दी हम 4165 को जोड़ेंगे तो हमें कितने प्राप्त हो छात्रों 9351 जो हमें प्राप्त यहाँ पर हो जाएगा। स्टूडेंट्स तो देखिए 7वां प्रश्न हमें यहाँ पर दिया गया है, दी गई आकृति में 1/4 भाग को छान के हमें यहाँ पर करना है। तो देखिए छात्रों आकृति आपको दी गई है, 4 खाने बने हैं, इसमें हमें 4 में से 1 भाग को छानकित करना। तो देखिए हम यहाँ पर 1 खाने को जो है छानकित कर दिया है, इस प्रकार से आप जो है पूरा यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। अब प्रश्न 8 हमें यहाँ पर दिया गया है, यदि 9 पेन की कीमत कितनी है, 54 रुपये है, और तो एक पेन की कीमत हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो देखिए हल लिखते हैं हम, देखिए पेन की संख्या कितनी छात्रों, पेन की संख्या यहाँ पर 9, कीमत कितनी है टोटल, टोटल कीमत है यहाँ पर 54। तो देखिए छात्रों हम यहाँ पर निकालते हैं एक पेन की कीमत, तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, टोटल पेन की कीमत बटे पेन की संख्या। तो देखिए पेन की कीमत कितनी है 54, बटे पेन की संख्या कितनी है 9। तो देखिए 54 में 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। अतः एक पेन की कीमत कितनी निकलेगी छात्रों, 6 रुपये यहाँ पर निकल जाएगी। प्रश्न 9 हमें दिया छात्रों, दिए गए बॉक्स में छोटा बड़ा या बराबर का चिन्ह लगाइए, ये चिन्ह होता है छोटा का चिन्ह होता है बड़े का। तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए संख्या दी गई है 55/100 और 56/100। तो देखिए 55/100 में आप जब निकालेंगे मान तो कितना निकलेगा, 0.55 निकलेगा, है ना, मतलब कि देखिए 55/0.05 को बन गया 1, और 10 के बाद जितनी संख्या रहती है उतने शून्य यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखिए 10 के बाद यहाँ पर है 2 शून्य, तो यहाँ पर लग गए 2 शून्य। यहाँ पर देखिए 56/100 का यहाँ पर निकलेगा 0.56। तो छात्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 0.56 जो है 0.55 से बड़ा है, मतलब कि या फिर हम इसे उल्टा भी कह सकते हैं 0.55 जो है 0.56 से जो है क्या है, छोटा है। तो देखिए अतः 55/100 जो है 56/100 से क्या होगा, छोटा होगा। ये चिन्ह किसके, ये चिन्ह होता है छात्रों छोटे का। अब लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न 10 क्या दिया आपको, सुरभि को 500 रुपये के खुले चाहिए, है ना, वे 500 रुपये का नोट ले आती है, सुरभि नाम की जो लड़की है 500 रुपये का नोट ले आती है और उससे चेंज करवाती है, खुले चाहिए उसे, और वे बदले में 20 रुपये के नोट जो है लेना चाहती है, तो उसे कितने नोट यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो देखिए छात्रों हम यहाँ पर लिखते हैं रुपये जिनके खुले चाहिए, कितने रुपये के खुले चाहिए छात्रों, उनके 500 रुपये के उसे खुले चाहिए। तो देखिए रुपये जिनकी नोट चाहिए, तो देखिए 20 रुपये की नोट चाहिए, तो देखिए तब हम निकाल सकते हैं नोटों की संख्या, बराबर से होगा रुपये जिनके खुले चाहिए बटे रुपये जिनकी नोट चाहिए। तो देखिए छात्रों यहाँ पर हो जाएगा 500/20। तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 50 में 2 का भाग दिए यहाँ पर 25 आ गया, तो मतलब कि उसे जो है 25 नोट यहाँ पर जो है प्राप्त होंगे। इस प्रकार छात्रों हमने यहाँ पर आपके 2 अंक के प्रश्न का उत्तर देख लिया है, हल देख लिया है। आने वाले वीडियो में हम यहाँ पर 3 अंक वाले प्रश्नों का हम यहाँ पर हल देख लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।